हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज मैं आई हूं सौम्या मम्मी और आरव के साथ इंडिया गेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। मैं दिखाती हूं कैसा रहा हमारा आज का ये दिन। सो अगर आप इंडिया गेट मेट्रो से आना चाहते हो तो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा सेंट्रल सेक्रेटरीट, जो कि है येलो लाइन में। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही है इंडिया गेट, तो आप ऑटो रिक्शा भी कर सकते हो, वरना आप वॉकिंग डिस्टेंस है, आप पैदल भी आ सकते हो। सो क्या आपको पता है इंडिया गेट पहले कहलाता था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल? जी हाँ, बिकॉज ये वॉर मेमोरियल है, ये जो शहीद हुए थे सोल्जर्स, अराउंड 84,000 सोल्जर्स इंडियन आर्मी के जो शहीद हुए थे 1914 से 1921 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनके लिए ये स्मारक बनाया हुआ है। एंड अगर आप इनकी वॉल पे देखोगे तो उन सब के आपको नाम भी मिलेंगे सारे के सारे। सो मैं एक दिन पहले भी आई थी यहाँ पर और तब ये वाला एरिया एकदम बंद था, ब्लॉक करा हुआ था उन लोगों ने, बट आज खुला है। और आज हम आए हैं शाम में, तब हम आए थे रात में, तो अभी का जो व्यू है वो एकदम ही अलग है। और सौम्या मम्मी आपको सामने दिख रहे होंगे, एंड ये रहा इंडिया गेट। तो अगर कोई भी दिल्ली आ रहा है और ये मॉन्यूमेंट नहीं विजिट कर रहा तो फिर दिल्ली आना वेस्ट है। हर आपको पोस्ट कार्ड पे हर चीज़ में आपको दिखेगा ही दिखेगा दिल्ली का ये इंडिया गेट। सो पहले आप इंडिया गेट में एकदम अंदर तक, यहाँ अंदर तक भी जा सकते थे, जहाँ अभी आपको सोल्जर्स दिख रहे हैं यहाँ पे अंदर तक जा सकते थे। और ये सारे यहाँ पे जो शहीद हुए हैं उन सब के आप नाम पढ़ सकते थे, पर अभी इन्होंने यहाँ पे ऐसे फेंसिंग कर दिया है और अब आप इसके आगे नहीं जा सकते। वो उन्होंने पूरे हर उसमें घेरा किया हुआ है, एंड देन यहीं तक आप बस देख सकते हो। और आपको इस पे अभी भी नाम दिखेंगे ये सारा। सो ये जो हमारे शहीद सोल्जर्स हैं उनकी याद में ये बनाया हुआ है, एंड इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। सो इंडिया गेट में 13,313 नेम लिखे हुए हैं सोल्जर्स के, जिसमें से 12,357 इंडियन सोल्जर्स के नेम हैं। और हर रिपब्लिक डे पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया गेट पे आते हैं टू पे ट्रिब्यूट टू अमर ज्योति जवान। यहाँ पे फव्वारा चल रहा है पर पानी एकदम भरा हो रखा है, और आपको कहीं भी आसपास भी मैं दिखाऊँ तो देख के कहीं नहीं लगेगा कि बाढ़ आई है या कुछ भी। यहाँ पे ज़रा सा भी बारिश भी हुई है, इतना सूखा पड़ा हुआ है। और जबकि न्यूज़ में जो दिखा रहे हैं वो कुछ कुछ एरिया ही हैं जो अफेक्ट हुए हैं, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मम्मी कैसे लग रहा है आपको इंडिया गेट आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मौसम भी अच्छा है ना? मौसम भी अच्छा है, गर्मी भी नहीं है, हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। आपको यहाँ पे कहीं बाढ़ जैसा लग रहा है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है? कुछ भी नहीं है, एकदम सूखा पड़ा है सब कुछ। इन्होंने तो अच्छा फव्वारे वगैरह लगाए हुए हैं, इनफैक्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप क्या तैयारी करके आए हो यहाँ बैठने के लिए? चादर लेके आए, बिछा के बैठेंगे, पहले घूमेंगे आराम से सारे के, फिर उसके बाद बैठेंगे आराम से। और फिर खाना खाना है कि नहीं खाना है? नहीं, कुछ खा के जाएंगे। बाहर आए और खाना नहीं खाए ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। और आरव के साथ खेलना भी आपको? हाँ, मम्मी बहुत खेलती है। आए हैं भाई। बहुत खेलती है मम्मी आरव के साथ, तो यहाँ पे खेलना है आप लोग के साथ। सो इंडिया गेट के ऑपोजिट दोनों साइड में ही पार्क बने हुए हैं, और यहाँ पे कितने लोग आते हैं आप पिकनिक मनाने के लिए, सुबह दिन में शाम में एंड रात में। यहाँ पे आई गेस 6:30 से लाइट जलती है इंडिया गेट पे, और आई थिंक 10:30 तक। सो हमने भी फिर ग्राउंड में ही, हम अपने साथ लेकर आए थे चादर वगैरह, तो हमने ग्राउंड में ही वहाँ पे बैठ गए थे। एंड आरव आप जैसा देख रहे हो बहुत इंजॉय कर रहा था वो, हम उसके लिए बॉल भी लाए थे तो वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा अब था। मैं अगर खाने पीने की बात करूँ तो खाने पीने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, भेल पूरी, सेव पूरी, आइसक्रीम, मोमोज,
आपको गोलगप्पे, काफ़ी कुछ है जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पानी की बॉटल वगैरह। सो आप वो सब कुछ भी वहाँ से ले सकते हैं। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था भेलपुरी से। और यहाँ पार्क भी डिवाइडेड है, जैसे पार्क वन, पार्क टू, पार्क थ्री। तो पार्क वन में वो अलाउ नहीं करते वेंडर्स को, बट आप खुद फेंसेस के वहाँ पे जाके सामान आप उनसे ले सकते हैं। सो अब भी हमने खाने की स्टार्ट कर चुके हैं और सबसे पहले है भेलपुरी। तो यहाँ पे सेव पूरी भी थी, भेलपुरी भी थी, बट मुझे भेलपुरी अच्छी लगती है, बट आई डोंट नो यहाँ की कैसी है। सो लेट्स ट्राई कि कैसी है, देखने में तो अच्छी लग रही है। सो जब हम गए थे उस टाइम दिल्ली में फ्लडिंग का इशू आ रहा था, और जैसा मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल जब हम गए थे तब हमें कोई फ्लडिंग नहीं मिला था, बट दो तीन दिन तक न्यूज़ में बहुत ज़्यादा शोर था। बट डेफिनेटली गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम गए भी गर्मी के टाइम में थे, बट हम शाम में गए थे स्टिल बहुत गर्मी थी। शीला भाई आई है, बिल्कुल भी डर नहीं है। कैसा लग रहा है? ओके, सौम्य की तो शक्ल से ही लग रहा है मुझे, और बहुत स्पाइसी है, बहुत ही गंदा है। वहाँ बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया था, बिकॉज हम भी स्कूल की तरफ से इंडिया गेट गए थे, वहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क है, हम वहाँ पे पिकनिक मनाया था हम लोगों ने। हमें स्कूल वालों ने बोला था अपने घर से खाने पीने के आइटम लेकर आओ, एंड देन वहाँ पे पार्क में बैठ के हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। एंड काफ़ी सारे स्कूल ऐसा करते हैं, तो हमें भी शाम में दिख गए थे ऐसे। बट अगर आपको अब इंडिया गेट से पार्क नंबर 2 की साइड जाना है तो आपको सबवे यूज़ करना पड़ेगा। सो ये अंडरपास है और यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा ये लॉन और ये हर चीज़ के बारे में, रिपब्लिक डे की परेड सब का ये इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। इनफैक्ट इन्होंने जो यहाँ पे लाइट है उनका भी उन्होंने समझाया हुआ है सारा कुछ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये अगर आप ये देखोगे सारा उन्होंने लिखकर सारा बताया हुआ, और यहाँ पे ऐसे सारे लगे हुए हैं ये। सो यहाँ पे गर्मी हो रही थी, हमने सोचा आइसक्रीम लेते हैं, बट आइसक्रीम में आपको दिख रहा है ये इन्होंने क्या किया हुआ है, पैसे काटे हुए हैं और वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पैसे चार्ज कर रहे हैं। बट यहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, उनके साथ बच्चे आते हैं, वो ज़िद करते हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों को ख़रीदना पड़ता है, उनके पास चॉइस नहीं होती है, एंड इसीलिए वो प्राइस पहले ही काट के रखते हैं एक एक कोन का। सो फाइनली दिन ढल चुका था और आप अब देखोगे इंडिया गेट लाइट में, तो उन्होंने बहुत सुंदर से तिरंगा वहाँ पे लाइटिंग के थ्रू उन्होंने किया हुआ था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। सो सौम्या एंड मम्मी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सौम्या की शक्ल से नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। सॉरी तू 5 साल थोड़ी, तू तो 9 साल के बाद, 9 ईयर्स आफ्टर 9 ईयर्स। ओह तू डे टाइम में आती है, ये टाइम तेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है या तेरे को मॉर्निंग का या डे टाइम का? और बैठने में भी है, तब उस टाइम धूप इतनी होती है बैठ नहीं सकते आप, वो भी है। सो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।